लास्ट टाइम हम कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स पे बात कर रहे थे, तो इसके लिए हमें तीन पॉइंट गिवन है ए बी सी, और ये इनके पोजीशन वेक्टर गिवन है, और हमें शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सो इट इज़ वन माइनस ऑफ माइनस टू, थ्री आई कैप, टू माइनस थ्री माइनस जे कैप, प्लस थ्री माइनस फाइव माइनस टू जे कैप। सिमिलरली बी सी वैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी सेवन आई कैप माइनस के कैप, में से पोजिशन वैक्टर ऑफ बी यानी कि आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप को माइनस करेंगे, तो सेवन माइनस वन सिक्स आई कैप, कोफिशेंट ऑफ जे जे कैप वाली टर्म एबसेंट है तो उसका कोफिशेंट जीरो, तो जीरो माइनस टू जे कैप, माइनस वन प्लस थ्री, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर के कैप। सिमिलरली सी ए वैक्टर इज पोजिशन वैक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ सी, ओ ए वैक्टर में से ओ सी वैक्टर को माइनस करेंगे तो माइनस टू माइनस सेवन माइनस नाइन आई कैप, थ्री माइनस जीरो प्लस थ्री जे कैप, और प्लस फाइव माइनस ऑफ माइनस वन प्लस सिक्स के कैप। ये तीनों वैक्टर आ गए, उन तीनों की लेंथ निकाल लेते हैं। ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड तो थ्री स्क्वायर नाइन, माइनस वन स्क्वायर इज वन, एंड माइनस टू स्क्वायर फोर अंडर रूट, ये आ गया अंडर रूट फोर्टीन यूनिट्स। बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें तो ये आएगा सिक्स स्क्वायर इज थर्टी सिक्स, प्लस माइनस टू स्क्वायर इज फोर, फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन, अंडर द रूट फिफ्टी सिक्स, 56 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू फोर, फोर का स्क्वायर रूट टू, टू रूट फोर्टीन, दिस मच यूनिट्स। एंड सी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो माइनस नाइन स्क्वायर इज 81, थ्री स्क्वायर इज 9 एंड सिक्स स्क्वायर इज 36, सो इट इज अंडर रूट 126। इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू 14, स्क्वायर रूट ऑफ नाइन इज थ्री रूट फोर्टीन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर को अगर हम ऐड करें रूट फोर्टीन प्लस टू रूट फोर्टीन तो हमें थ्री रूट फोर्टीन मिल जाएगा। तो क्लियरली ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी ए वैक्टर मैग्नीट्यूड, एज ए बी वैक्टर मैग्नीट्यूड रूट फोर्टीन प्लस बी सी वैक्टर मैग्नीट्यूड टू रूट फोर्टीन इज इक्वल टू सी ए वैक्टर मैग्नीट्यूड थ्री रूट फोर्टीन, सो ए बी सी आर कोलिनियर। इस क्वेश्चन को हम एक और अल्टरनेट वे से कर सकते थे। यहाँ पर आप देख रहे हो अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हो तो एक तो कंडीशन यह होगी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि ए बी प्लस बी सी वैक्टर को ऐड करें तो वो माइनस ऑफ सी ए वैक्टर आएगा। यहाँ पर ये भी आप देख रहे हो कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी ए वैक्टर मतलब ए सी वैक्टर, तो ऑल्सो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सी ए वैक्टर, एंड नेगेटिव ऑफ सी ए वैक्टर मतलब ए सी वैक्टर, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। यहाँ से भी ये प्रूव हो रहा है कि इन दोनों वैक्टर्स का सम इस तीसरे वैक्टर के सम के इक्वल है,
तभी ये कोलिनियर हो जाएंगे।